नवाज शरीफ के केस की मैं बात करना चाहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ का जो केस है ये रूटीन में ही है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ये बेचारे दोनों इन दो खानदानों को बचाने लगे हुए हैं ना, इनके पास ये रूटीन की बातें करते हैं। अभी मैं कहता हूँ कि मेरे ऑनरेबल जो आगा रफ़ी साहब बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, आप मेरे सामने नीलम साहबा इनको कापी दिखाएं जो हाई कोर्ट के फैसले की कापी है, मियां नवाज शरीफ की रिहाई जो 8 हफ्ते के लिए जमानत दी गई थी उसकी कापी ने दिखाएं, उस पर यह क्लियर लिखा हुआ है कि 8 हफ्ते के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पंजाब हुकूमत से राबता करेंगे। अब 8 हफ्ते गुजर गए, 17 हफ्ते गुजर गए हैं, ये हमें जो ब्लेम देते हैं, आप हमारी रवादारी देखें, हमें उनकी सेहत का इनसे ज्यादा फिक्र है, इनको तो सिर्फ फिक्र है, इनको तो सिर्फ इख्तदार का फिक्र है। गुजरने के बावजूद भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया, वहां जाकर कहीं एडमिट नहीं हुए, रेस्टोरेंट में खाना, फिर भी हम कहते हैं कि अगर वो बीमार हैं तो उन्हें कोर्ट के अदालत के फैसलों को अमल दरामद करना चाहिए। मैं यहां आपको एक और चीज बताता जाऊं इस प्रोग्राम के आपके हवाले से कि पंजाब हुकूमत ने जब राबता किया डॉक्टर अदनान साहब के साथ, ये 3 दफ़ा राबता हुआ है पंजाब हुकूमत का, 3 दफ़ा मियाँ डॉक्टर अदनान साहब ने रिपोर्टें लंदन से भिजवाई हैं मियाँ हुकूमत पंजाब को। ये जो शाहिद अकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत को इसमें कोई काम नहीं, तो शाहिद अकान अब्बासी साहब का जो रिकॉर्ड है या इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं है। 3 दफ़ा डॉक्टर अदनान ने वहाँ से रिपोर्ट्स भिजवाई हैं लंदन से हुकूमत पंजाब को, 2 दफ़ा बोर्ड बैठा है, 3री दफ़ा स्काइप में बात हुई है, डॉक्टर अदनान वाज ऑन स्काइप।